आगरमालवा जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉक्टर एस के पालीवाल के कहने पर महिला रोग विशेषज्ञ और मैटरनिटी वार्ड के इंचार्ज रोहित चौधरी ने मैटरनिटी वार्ड में लगाया ताला। आगरमालवा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के बीच चल रही अंतर कलह आज खुलकर सामने आई, जहां डिलीवरी वार्ड में स्टाफ की कमी को दूर करने की बात पर डॉक्टरों में विवाद के बाद जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में इंचार्ज और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चौधरी ने डिलीवरी वार्ड में ताला लगा दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में मरीजों को सुविधा के नाम पर उचित उपचार दिए जाने के बजाय चिकित्सक में आपसी खींचतांच और एक दूसरे को नीचा दिखाने के विवाद आए दिन सामने आते हैं। डॉक्टर रोहित चौधरी ने बताया कि जब मैं सुबह ड्यूटी पर आया तो स्टाफ के द्वारा बताया गया कि सर रात में डिलीवरी कराने में बहुत दिक्कत आती है, दिन में भी स्टाफ की कमी है, पीएनसी वार्ड में इतने सारे पेशेंट होने की वजह से सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा। उसी एवज में मैं स्टाफ के साथ ऊपर सिविल सर्जन सर से मिलने गया, उनके सामने स्टाफ की कमी होने की बात रखी, जिस पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस के पालीवाल ने असंतोष जताते हुए कह दिया कि मैटरनिटी में ताला लगा दो। इससे हमारा स्टाफ नाराज़ हो गया और मैंने सोचा कि जब हमें कोई सपोर्ट नहीं है तो हम काम कैसे करें, इसके कारण मेरे द्वारा ताला लगा दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा मुझ पर दबाव बनाया जाता है कि मैं डिलीवरी केसेस को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करूँ। आज ऐसा हुआ कि सुबह हम जब ड्यूटी पर पहुँचे तो हमारे स्टाफ द्वारा, जैसे कि रोज की किचकिच हो रही है स्टाफ को लेकर, तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर रात में डिलीवरी कराने में बहुत दिक्कत आ रही है और दिन में भी स्टाफ की कमी है, उधर पीएनसी वार्ड में भी इतने सारे ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके एवज में हम पूरे स्टाफ सहित मैं ऊपर सिविल सर्जन सर से मिलने गया था, और सिविल सर्जन सर से जब मिलने गया और उनके सामने यह बात रखी गई कि सर हमें स्टाफ की बहुत दिक्कत आ रही है, आप जल्द से जल्द स्टाफ की व्यवस्था करें। इसके पहले भी मैं कई बार उनको लिखित में दे चुका हूँ क्योंकि हमें स्टाफ की सख्त ज़रूरत है, स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। तो आज हमारे सिविल सर्जन द्वारा इस सब बात को कहे जाने के बाद में असंतोष जताते हुए ये कह दिया कि वहाँ पर मेटर्निटी में ताला लगा। इससे हमारा स्टाफ जो है वो पूरा नाराज़ हो गया। उन्होंने बोला कि सर जब अपने को कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ काम में। तो हम नीचे आए, नीचे वैसे भी आज रंगाई पुताई का काम चल रहा था, अंदर कोई मरीज़ नहीं था, तो हमने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद चाबी वहीं छोड़ के, और मैं लंच का टाइम हो गया था तो घर चला गया। सर आप कितने समय से जो है डिलीवरी वार्ड के इंचार्ज हैं और कितनी डिलीवरी अभी तक करा चुके हैं? मैंने 21 अगस्त 2020 को यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया था, और यहाँ पर मैं अकेला ही गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि एक जिला अस्पताल के लिए शर्मसार बात है, क्योंकि अपन कहीं भी अगर दूसरी जगह अपन ये मापदंड देखेंगे कि कितनी डिलीवरी पे कितने गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, तो सब जगह कम से कम 4 से 5 गायनेकोलॉजिस्ट, इसके अतिरिक्त 3 से 4 लेडी मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई लेडी मेडिकल ऑफिसर है, ना कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त गायनेकोलॉजिस्ट है। 24/7 365 days आई एम वर्किंग हियर सिंसियरली, डे नाइट आई एम वर्किंग हार्ड टू प्रूव दैट वन सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट और वन सिंगल डॉक्टर कैन डू एनीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ, डिस्पाइट ऑफ द लेक ऑफ स्टाफ, गायनेकोलॉजिस्ट, LMO, एनीबडी। और मेरे द्वारा यहाँ पर पिछले साल जब मैंने जब से ज्वाइन किया, आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरे द्वारा कोई पिछले साल छुट्टी नहीं ली गई थी। 365 सलंग दिन काम करके, दिन रात मैंने यहाँ पर काम करके, यहाँ पर पहले इलेक्सियस सीजर से डिलीवरी नहीं होती थी, वो कार्य यहाँ पर चालू किया अपने साथीगण की मदद से, उसमें मैंने 200 से ऊपर अभी तक सीजर कर दिए होंगे। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा यहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा डिलीवरी जो है जटिल प्रसव की। नॉर्मल डिलीवरी तो सिस्टर कराती है, जैसे कि हमारा सिविल सर्जन महोदय का कहना है कि तुम न रहोगे तो भी ठीक है, नहीं रहोगे तो भी हमारी मेटर्निटी चलेगी, तो वो तो चलेगी, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आती हैं उनके साथ साथ उस डिलीवरी में बच्चे और माँ को दोनों को बचाने का जो काम किया जा सकता है वो शायद डॉक्टर ही कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर कितनी टोटल डिलीवरी अभी तक होती है? माह की 300 से 350 ऑन एवरेज डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही है, किसी किसी माह 400-500 तक भी गाड़ी चली जाती है, मतलब 4-5 हज़ार के आसपास मुझे लगता है हमने 1 साल में प्रसव यहाँ पर पूरा। तो आपको किस तरह की परेशानी यहाँ पर देखना पड़ती है? यहाँ पर दो तरह की परेशानी सामने आ रही है, एक तो स्टाफ से जूझ रहा हूँ, दूसरा जो पेरीफेरी में जो जितने हमारे PHC CHCs हैं वहाँ से जो पेशेंट रेफर आते हैं,
यहाँ पे जो दो तीन प्राइवेट में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 8-9 महीने तक क्या है कि पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है, फिर यहाँ पे डिलीवरी कराने आता है, जिस वजह से यहाँ पे इतना रश हो जाता है। कायदे से देखा जाए तो ये उन चारों पाँचों PSC CSC और यहाँ पे दो तीन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका वर्कलोड है। इसके अतिरिक्त तो क्या है यहाँ पे कि आए दिन ना कुछ ना कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अलग दबाव डालते रहते हैं उसमें कि भैया आप हमारे यहाँ रेफर करो, यहाँ काम मत करो, है ना। देखा जाए तो हमारे आर्यमो साहब तो उनका भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे मुझे स्टाफ दे नहीं रहे हैं। मुझे दो तीन बार पहले भी उन्होंने बोला कि आप मेरे यहाँ हॉस्पिटल में इस जो है पेशेंट पहुँचा दो, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ये काम तो नहीं करूँगा, मैं उज्जैन पहुँचाता हूँ सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर देखते हैं। तो उसके बाद से मुझे स्टाफ की बहुत तंगी आ गई और मुझे कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसी भी काम को करता हूँ तो कोई पत्रकार मुझे परेशान करते हैं, कोई कुछ क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे नेता लोग होते हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं। जिला अस्पताल से रेफर करने के लिए भी आपको डॉक्टर लोग दबाव बनाते हैं? हाँ, कि प्राइवेट में भेजा जाए तो ठीक है, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। कमीशन का खेल? हाँ कह सकते हैं।